नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल एस्ट्रो सच पर। चलिए गुरुजी से सुनते हैं आज के उपाय। दोस्तों, 18 सितंबर 2023 हरतालिका, तीज के दिन अगर आप इस वृक्ष को मात्र छूकर आ जाते हैं तो आपकी जन्मों की गरीबी, दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा उसी समय से मिटनी शुरू जाएगी और आप हो जाएंगे धनवान मालामाल। दोस्तों स्वागत है। यदि आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, तो दोस्तों 18 सितंबर 2023 हरतालिका तीज पर इस वृक्ष को मात्र छूकर आ जाना। उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, इस बार 2023 का साल बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग लेकर आया है और इस बार 18 सितंबर को सबसे बड़ी तीज हरतालिका तीज पड़ने जा रही है। और दोस्तों, इस दिन राजयोग काल सर्पदोष के साथ साथ धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिस वजह से इस तीज का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति स्वरूप में पाने के लिए इस दिन से ही तप की शुरुआत की थी। उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, जिसके फल स्वरूप माता पार्वती ने उन्हें पति स्वरूप में प्राप्त किया। यही वजह है कि कुंवारी लड़कियां भी मनचाहे वर के लिए इस व्रत को रखती हैं। दोस्तों, देवी पार्वती ने कुंवारी अवस्था में इस व्रत को किया था, इसलिए इस व्रत को सुहागिन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए रखती है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है, निराहार रखा जाता है। सभी सुहागिन महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी आयु की कामना से और अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को रखती है। इस दिन मां पार्वती और शंकर की पूजा की जाती है। सुहागिन महिलाओं के अलावा जो कुंवारी कन्याएं हैं, वह भी इस दिन मनचाहा वर पाने के लिए निर्जला इस व्रत को विधि विधान से रख सकती है। 18 सितंबर को हरतालिका तीज की पूजा की शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। सुबह का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:07 से लेकर 8:24 तक। इस बीच में आपको राहु काल के समय का त्याग करना है। इसके अलावा सुबह 9:11 से लेकर 10:43 तक आप पूजा कर सकते हैं। दोपहर की पूजा का मुहूर्त प्रारंभ होगा दोपहर 3:19 से शाम 7:51 तक रहेगा। इसके अलावा प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:39 से लेकर 7:09 तक। शाम को प्रदोष काल में की गई पूजा भगवान शिव और देवी पार्वती बहुत जल्दी स्वीकार करती है, इसलिए प्रदोष काल में आप पूजा जरूर करें। व्रत पारणा का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 19 सितंबर मंगलवार की सुबह 6:18 से लेकर 8:02 के अंदर। आपको ध्यान रखना है कि हमेशा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए और व्रत खोलते समय आप लिक्विड चीजों का, पानी का या जूस का सेवन जरूर करें, उसके बाद ही कोई अन्य पदार्थ खाएं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में वृक्षों को देव स्वरूप कहा गया है और इन वृक्षों में स्वयं भगवान महादेव और नारायण वास करते हैं। और आज मैं आप लोगों को उन पावन वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिनको इस हरतालिका तीज के दिन छू लेने मात्र से आपकी जन्मों जन्मों की गरीबी मिट जाएगी। क्योंकि दोस्तों, ये ऐसे वृक्ष हैं जो देव वृक्ष कहे गए हैं या देवी स्वरूप कहे गए हैं। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में इन पेड़ पौधों को देवता मानकर हम इनकी पूजा करते हैं और हमें इनकी पूजा करनी भी चाहिए, क्योंकि साइंस भी कहता कि पेड़ पौधे मनुष्य को बिना किसी स्वार्थ के वायु प्रदान करते हैं और सभी प्रकार के जितने भी नकारात्मक चीजें होती है उसे अपने अंदर ये स्वयं सोख लेते हैं और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपते हैं लेकिन मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, इस समय कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हमारे धर्म शास्त्र में कहे गए हैं कि इनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्र में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में छुपा है, जड़ी बूटी में छुपा है
और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं स्वयं पीपल का वृक्ष हूं। इसलिए दोस्तों, पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है वो सबसे ज्यादा होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि वृक्षों में पीपल हूं। तो दोस्तों, चलिए अब मैं आप लोगों को उन पावन वृक्षों के बारे में बताऊंगा जो कि कल्याणकारी हैं, जो मंगलकारी हैं। अगर आप इन वृक्ष को छू लेते हैं इस हड़तालिका तीज के दिन, तो आपकी गरीबी तो मिटेगी ही मिटेगी, साथ ही आपके जीवन से परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि यह जो पेड़ पौधे हैं ये चेतना युक्त हो जाते हैं, यानी कि इस दिन इनमें चेतना आ जाती है। और हड़तालिका तीज के दिन स्वयं भगवान विष्णु जी इन वृक्षों में वास करते हैं, इस वजह से इनमें शक्ति आ जाती है और ये पेड़ पौधे जागृत अवस्था में आ जाते हैं। दोस्तों, इस समय इन पेड़ पौधों को मात्र जाकर छू दे, खास करके जो देवी स्वरूप कहे गए हैं, यानी माता लक्ष्मी स्वरूप माने गए हैं, भगवान विष्णु जी के स्वरूप माने गए हैं, तो इन पेड़ पौधों को आप ऐसे छू कर आ जाते हैं तो आपके जीवन की जो परेशानी है, दुख तकलीफ है, कष्ट रोग बीमारी है, कलह क्लेश है, जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, सब समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आज आप लोगों को कुछ ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जो देव वृक्ष कहे गए हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, अगर आज की वीडियो मिस कर दिए तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि इस समय हड़तालिका तीज का पावन पर्व है और यह एक ऐसा समय होता है जो बहुत ही कल्याणकारी, बहुत ही मंगलकारी दिन होता है। सभी ग्रहों को एकत्रित करके सभी ग्रहों को सपोर्ट दिलाता है, कुंडली को मजबूत कराता है, गरीबी को समाप्त करता, और आप अपनी आंखों से देखते हैं गरीबी को मिटते हुए। दोस्तों, मैं जिन वृक्षों के बारे में बात करने वाला हूं, ये सारे वृक्ष आपको आपके घर के आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला जो वृक्ष है, जिस वृक्ष के बारे में मैं बात करने वाला हूं, वह है केले का वृक्ष। जी हां, केले का वृक्ष आपके घर के आसपास मिल जाएगा। इसमें स्वयं भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी वास करती हैं। दोस्तों, आपको इसे खासकर हड़तालिका तीज के दिन, चाहे गुरुवार के दिन हो, किसी भी दिन आप इस वृक्ष को छू कर आ जाए तो जीवन के कष्ट मिटाते हैं, तत्काल गरीबी मिटती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। धन वैभव से आपका घर भर जाता है, आपके घर में तेजी से धन आने का स्रोत नजर आने लगते हैं, रुका हुआ व्यापार चलने लगता है, बंद पड़ी किस्मत भी साथ देना शुरू कर देती है और भाग्य आपका सातवें आसमान पर रहता है, बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, जीवन में सफलता आपको जरूर प्राप्त होती है, कार्य क्षेत्र में भी आपको लाभ होता है। तो दोस्तों, आपको केले का वृक्ष आसपास मिल जाएगा तो इस वृक्ष को, इस पेड़ को छूकर आ जाए, इसमें स्वयं भगवान विष्णु जी वास करते हैं। केले का पेड़ बहुत ही पवित्र माना जाता है, कहते हैं केले के पेड़ में, अगर हड़तालिका तीज के दिन अगर एक लोटा जल गुरुवार के दिन दिया जाए, हल्दी चना किशमिश डालकर, तो जीवन में यश मान सम्मान की प्राप्ति और संतान की प्राप्ति होती है। अगला वृक्ष है दोस्तों, तुलसी का पौधा। दोस्तों, तुलसी के पौधे को अगर आप छू कर आ जाते हैं तो जीवन के कष्ट मिटते हैं, इसमें भी माता लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी के पौधे को छूने से भी आपकी गरीबी तत्काल मिटती है, महालक्ष्मी की कृपा बरसती है, घर से दुर्भाग्य दूर होता है। इसलिए हड़तालिका तीज के दिन पीपल के वृक्ष के साथ साथ तुलसी का पौधा भी आपको घर के आसपास मिल जाएगा, या फिर आपके घर में लगा है तो सुबह शाम के दिन आप इन्हें छू कर आ जाए और अपनी मनोकामना जरूर बोल दे। साथ ही अगर बेल का वृक्ष भी मिल जाए तो इसे भी छू कर आ जाए तो बहुत ही लाभ और कल्याणकारी है, इसमें स्वयं नारायण और माता पार्वती वास करती है। दोस्तों, बेल का वृक्ष भी बहुत ही शुभ है और शमी का वृक्ष भी छू कर आ जाए, ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है, इसमें भी सभी देवी देवता निवास करते हैं। साथ ही साथ नीम का पेड़ या फिर आम का पेड़ भी छू कर आ जाए, गरीबी मिटती है। अब अगला वृक्ष है दोस्तों, पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष में स्वयं भगवान नारायण वास करते हैं, स्वयं भगवान विष्णु जी वास करते और माता लक्ष्मी जी वास करती हैं। तो हड़तालिका तीज के दिन आपको पीपल के वृक्ष को जरूर छूकर आ जाना है, सुबह या फिर शाम के समय छूकर आए, और जब पीपल को आप छुएंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए छूना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए छू देना है। दोस्तों, जो भी आपकी मनोकामना है, नौकरी को लेकर, बिजनेस व्यापार को लेकर, धन को लेकर, कार्य को लेकर, संतान को लेकर,
विवाह को लेकर किसी प्रकार की समस्या शत्रुओं को लेकर हो, तो आपको बस भगवान विष्णु जी के वृक्ष पीपल के सामने ऐसे आपको अनुभव करना है कि वे उपस्थित है, प्रकट है, और उन्हीं का स्मरण करते हुए छू कर आ जाना है। तत्काल देखेंगे 24 घंटे के अंदर आपकी मनोकामना पूरी होगी, बाकी आपकी मर्जी। दोस्तों, इतना पावरफुल ये उपाय है कि इसको करने से आपके जीवन के दुर्भाग्य दूर होंगे, कष्ट मिटते हैं, जीवन से गरीबी दूर होती है। दोस्तों, पीपल के वृक्ष में वैसे तो सभी देवी देवता निवास करते हैं, लेकिन हरतालिका तीज के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं निवास करने आती है बैकुंठ लोक से धरती पर। इसलिए पीपल के वृक्ष को जरूर स्पर्श करके आप अपनी मनोकामना बोल देना, तत्काल आपकी गरीबी मिटेगी। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं हरतालिका तीज के कुछ और जरूरी उपाय और कथा। एक बार भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में बताते इस व्रत के महत्व को समझाया। माता पार्वती ने बहुत छोटी उम्र में ही भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। उन्होंने बाल्यावस्था में ही 12 वर्षों तक हिमालय के किनारे बैठकर कठिन तप शुरू कर दिया। अपने इस तप के दौरान उन्होंने बिना कुछ खाए पिए अपना जीवन व्यतीत किया। उन्होंने जीवित रहने के लिए सूखे पत्ते और हवा खाकर ही कई वर्षों तक गुजारा किया। देवी पार्वती को इस स्थिति में देखकर उनके पिता बहुत दुखी रहते थे। देवी पार्वती की तपस्या को देख भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, जिसके बाद महर्षि नारद उनके पिता के पास भगवान विष्णु का रिश्ता लेकर पहुंचे। भगवान विष्णु से रिश्ते की बात सुनकर उनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने एक बार में ही स्वीकृति में हामी भर दी। जब माता पार्वती को इस बारे में ज्ञात हुआ तो उन्हें बहुत दुख हुआ, और ये सारी बात सुनते ही वह बहुत जोर जोर से रोने लगी और जीवन कहने लगी। ये देखकर उनकी सखी को आश्चर्य हुआ कि वे स्वयं नारायण से विवाह होने पर इतनी दुखी क्यों हैं। तब उन्होंने अपनी सखी को उत्तर देते हुए कहा, वे इतना कठिन तप और व्रत भगवान भोलेनाथ को पति रूप में पाने के लिए कर रही हैं, लेकिन उनके पिता उनकी शादी भगवान विष्णु से ही करवाना चाहते थे। तब उनकी सखी ने उन्हें वन में तप करने की सलाह दी। उनके कहने के अनुसार देवी पार्वती ने एक गहरे वन में पहुंच गई। वहां एक गुफा में बैठकर तपस्या करने लगी। उन्होंने स्वयं को पूरी तरीके से भगवान शिव की भक्ति में लीन कर लिया। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन देवी पार्वती ने रेत से शिवलिंगन बनाया और रात भर जागकर भगवान शिव की स्तुति की। माता पार्वती के समर्पण को देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उन्हें स्वयं को उनके पति रूप में मिलने का वरदान दिया। माना जाता है कि जो भी महिला इस दिन पूरे विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक व्रत करती है, उन्हें इच्छानुसार वर की प्राप्ति होती है। इसके साथ विवाहित स्त्रियों को भी खुशहाल दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त होता है। इसलिए हरतालिका तीज के इस व्रत को इतना महत्वपूर्ण बताया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, और साथ ही इस चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।